Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Dear students In last class हमने बेटा amines के कुछ important questions आपके साथ discuss किए थे तो बेटा इसमें और भी कुछ important questions है जो हम आज के lecture में discuss करेंगे तो last class में हमने दो चार questions discuss किए थे वो काफी important questions थे और इस लेक्चर में बेटा और भी दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपके सामने रखे हैं तो वो हम आज डिस्कस करेंगे तो आज का हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज ये हमने किया दिस क्वेश्चन ये भी हमने किया बेटा तो आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस तो एमाइंस को अगर देखेंगे बेटा हमने क्लासिफाई कैसे किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन तो एमाइंस के बेटा जनरली तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है जब भी आप एमाइंस को क्लासिफाई करते हो बेटा तो वहां पे आपको डिग्री ऑफ कार्बन नहीं देखना होता है बल्कि एमाइंस के केस में वी फोकस ऑन द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन एटम तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन एटम तो हमारे पास बेटा तीन टाइप्स के होते हैं शाबाश जो हमारे पास पहला टाइप है दैट इज प्राइमरी प्राइमरी दैट्स एमाइन जिसको हम वन डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं ओके तो ये कौन से एमाइंस होते हैं बेटा ये वो एमाइंस होते हैं जिनमें अगर आप अमोनिया लोगे बेटा बिकॉज एमाइंस आर बेसिकली डेरावेटिव ऑफ अमोनिया हमने इस अमोनिया से एक एच निकाला बाय वन अल्काइल और एराइल ग्रुप दिस आर कैन बी अल्काइल और दिस आर कैन बी एराइल ग्रुप तो यहां पे बेटा जो आपका एमाइन मिलेगा दैट विल बी आर एन एच टू तो इस नाइट्रोजन की डिग्री जो यहां पे है दैट द प्राइमरी दैट वन डिग्री नाइट्रोजन तो इनको हम बेटा बोलते हैं प्राइमरी एमाइंस

अगर मेरे पास और एक कंपाउंड होगा यहां पे रखा मैंने NH2 टू यहां पर नाइट्रोजन की डिग्री वन अगेन प्राइमरी अमाइन इवन अगर यहां पर देखेंगे बेटा जो हमारे पास एनलीन होता है एनलीन इज अगेन एनलीन इज अगेन दिस इज अगेन प्राइमरी एमाइन तो ये सारे किन के एग्जाम्पल है प्राइमरी अमाइंस क्योंकि बेटा प्राइमरी में क्या होता है सिर्फ यहां पर अमोनिया से एक alkyl या एक अल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम तो ऐसे अमाइंस को हम बेटा प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं शबाश उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी अमाइंस पे वेरी नाइस nice. अगर सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे बिल्कुल सिंपल है बेटा सेकेंडरी एमाइंस लिखो शाबाश। सेकेंडरी एमाइंस क्या होते हैं इनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं टू डिग्री से हम जानते हैं एमाइंस आर बेसिकली डेवेटिव ऑफ अमोनिया अगर आपके पास अमोनिया होगा और हमने बेटा क्या किया हमने अमोनिया से सपोज दो एच को रिप्लेस किया बाई टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो यहां पे जो मेरे पास अमाइन मिलेगा दैट विल बी आर एन एच आर ओके ओके बेटा यहां पर नाइट्रोजन की डिग्री देखो शबाश यहां पर नाइट्रोजन की डिग्री सेकेंडरी है तो इसलिए इनको सेकेंडरी अमाइंस बोलेंगे देखो बेटा ये जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं दे कैन बी सिमिट्रिकल और दे कैन बी अनसिमिट्रिकल अमाइंस क्यों क्योंकि अगर यहां पर दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप सेम थे तो वो सिमेट्रिकल एमाइन बनेगा अगर ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के थे चाहे अल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप्स हो तो उनको हम बोलेंगे बेटा मिक्सड एमाइंस और वी कैन कॉल दिम सिंपली एज अनसिमेट्रिकल एमाइंस। यहां पर हम एग्जाम्पल देंगे सपोज मैंने ऐसे लिखा दिस इज माई दिस इज माई यहां से भी इथाइल और यहां से भी इथाइल है सबसे पहले सेकेंडरी ये सिमिट्रिकल अमाइन है तो इसको हम बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे एन इथाइल है इवन अगर मैंने यहां पे ऐसे लिखा शाबाश एक तरफ से ऐसे लिखा नाइट्रोजन इज सेकेंडरी दिस इज सेकेंडरी अमाइन बट इट इज अनसिमेट्रिकल इट इज अनसिमेट्रिकल अमाइन सिमिलरली बेटा अगर यहां पर हम सेकेंडरी अमाइन लिखेंगे मैंने एक तरफ से इसको बेटा बेंजीन रिंग जोड़ी सपोज और एक तरफ से मैंने मैंने इसको ऐसे ऐसे रखा सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन बट इट इज अनसिमेट्रिकल क्योंकि एक तरफ से अलग अल्काइल ग्रुप है दूसरी तरफ से अलग अल्काइल ग्रुप है सो इट इज सेकेंडरी अमाइन बट इट इज अनसिमेट्रिकल अमाइन तो इनको हम बेटा बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस ओके इसी तरह शबाश टर्शरी अमाइंस शेरी एमाइंस टर्शेरी एमाइंस शाबाश, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डिग्री आपके पास ओमोनिया होगा शाबाश, तीनों एच मैंने रिप्लेस किए बाय थ्री अल्काइल और एराइल ग्रुप्स ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं सेम होंगे तो सिमेट्रिकल बनेगा डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल बनेगा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज डिग्री ऑफ अमाइन डिग्री ऑफ कार्बन इज नॉट डिग्री ऑफ एमाइन यहां पर नाइट्रोजन की डिग्री देखनी पड़ेगी आपको बेटा तो यहां पर हम टेरशरी uh, अमाइन को डिफाइन कर सकते हैं दो अमाइंस इन विच इन विच ऑल द्री हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेसड बाई थ्री एल्काइल और एराइल ग्रुप इफ द ऑल थ्री एल्काइल और एराइल ग्रुप सेम देरी बेटा तीनों अलग थे तो हम इनको क्या बोलेंगे या दो अलग थे बेटा तो हम इनको बोलेंगे अनसिमिट्रिकल अमाइन तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो दिस इज माई टर्शरी अमाइन ओके बेटा बिकॉज द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज थ्री दिस इज माई टर्शरी अमाइन अगेन यहाँ पर मैंने एक रिंग जोड़ी सपोज बेंजीन रिंग और यहाँ पर मैंने एक मिथाइल जोड़ा या यहां पर सिमिट्रिकल भी लिख सकते हो जो एनसीआर की एग्जाम्पल है बेटा एन एन डाई मिथाइल मिथन एमाइन सो अगेन दिस इज माई टर्शेरिया माइन टर्शेरिया माइन टर्शेरिया माइन टर्शर तो बेटा ये दोनों अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएंगे दिस इज सिमेट्रिकल टर्शरिया माइन तो ये हमारा क्वेश्चन था दैट वॉज क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शबाश एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हमें अमाइंस की जो प्रेपरेशन पड़ी थी बेटा मैंने वहां पे बोला आपको कुछ रिएक्शन मैंने ऐसे ही रखे क्योंकि वो नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं और यहां पर ये जो सबसे पहला क्या है simple, हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको इसमें हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको ज्यादा हम नहीं खींचेंगे यहां पे बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे दैट्स हॉफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन ओके okay. तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे होपमेन इज डिग्रेडेशन चलो यहां पे डिस्कस करूंगा मैं सबसे पहली बात बेटा इसका नाम देखो ब्रोम एमाइट तो सबसे पहले आप चीज जो याद रखोगे इस रिएक्शन का जो मेरे पास रिएक्टेंट होगा वो होता है अमाइड ओके दिस इज माय अमाइड शाबाश बिकॉज रिएक्शन का नाम से इसको याद करो होपमैन इज ब्रोम एमाइड दूसरा मेरे बेटे जो इसमें हम याद रखेंगे दैट इज ब्रोम एमाइड तो दैट मीनज इसमें ब्रोमीन भी होता है शाबाश, बी आर टू इसको हम सीधे अच्छे से याद करेंगे तो ब्रोम एमाइड से मुझे पता चला एमाइड और ब्रोमीन होता है इसमें लेकिन इस ब्रोमीन को आपको लेना पड़ेगा इन द बेसिक मीडियम तो हम यहां पे एनएओएच जनरली यूज करते हैं इट कैन बी एल्कोहलिक और इट कैन बी एक्वस एन सो ये इस रिएक्शन का रिएजेंट है तो बाकी खत्म बेटा अभी तक हमने यहां कहा क्या कहा हमने हमने कहा जो होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं ये भी आपको अभी पता चलेगा मैं सीधे इसको आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा तो सीधे एमाइड यूज करेंगे होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन तो एमाइड से मतलब एमाइड इसका रिएक्टेंट ब्रोम से मतलब ब्रोमीन लेते हैं किस मीडियम में इसको लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में अल्कलाइन मीडियम बोले तो एनओ और इट कैन बी एल्कोहलिक एनओएच और इट कैन बी एक्वाओ अब इसमें शॉर्ट तरीका क्या रखना है मैकेनिज्म के बगैर इसमें जो ये बेटा आपके पास ये अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप इस कार्बोनिल के साथ जुड़ा है आप शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे यहां पर सीधे हम इस अल्काइल और एराइल को माइग्रेट कराएंगे तो माइग्रेशन के बाद आपके पास जो मेन मिलेगा प्रोडक्ट दैट विल बी प्राइमरी एमाइन वेरी सिंपल इट कैन बी प्राइमरी एलफेटिक और इट कैन बी प्राइमरी एरोमेटिक तो यहां पर हमारे पास बनेगा प्राइमरी एमाइन शब्बाश बोर्ड के लिए पड़ रहे हैं यहां पर एक कार्बन कम हो जाएगा तो यहां पर एक कार्बन कम हो जाएगा तो उससे हम बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट शबाश और यहां पर एनईबीआर भी बनेगा र भी बनेगा और वाटर भी बनेगा बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है सीधे बेटा रिएक्शन को याद कर लो तो दिस इज एक्चुअली वट हैपन्स इन द होपमेन्स ब्रोम एमाइड डिग्रीडेशन अब आपको पता चलना चाहिए इसको डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं बिकॉज इट इज डिसेंट ऑफ सीरीज यानी जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा उसमें एक कार्बन आपको लेस मिलेगा द प्रोडक्ट कंटेन इज वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट तो इसीलिए इट्स इस नेम्ड एज हॉप मैंस ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन सिंपल आप इसमें कैसे लिखोगे बेटा ये तो बोर्ड के लिए सीधे आपको याद रखना है आप सिंपल टर्म्स में इसको कैसे लिखोगे सुनो शबाश इन दिस रिएक्शन एमाइड्स अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन है ना बेटा एमाइड्स अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस और एल्कोहलिक एनएच इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक और एक्वस एन टू गिव प्राइमरी एमाइंस क्या देगा बेटा प्राइमरी एमाइंस देगा टू गिव प्राइमरी एमाइंस ओविया एल्काइल और एराइल माइग्रेशन सीधे विया एल्काइल और एराइल माइग्रेशन शबाश The product formed in this reaction contains one carbon less than that of the reactant. Hence it is descent of series. Hence it is descent of series. Shabash. Oric point is In this reaction we get only primary alphatic or primary aromatic amines. Primary alphatic or primary aromatic amines. चलो हम यहां पे एग्जाम्पल करेंगे वेरी सिंपल बेटा सिंपल रिएक्शन थी हाँ शबाश जरा इस रिएक्शन को यहां पे लिखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया दिस इज माई ओके दिस इज माई नाइस और इसको मैंने ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस और एल्कोहलिक एनो सीधे बेटा शॉर्ट ट्रिक से इसको माइग्रेट कराओ एक कार्बन कम मिलेगा वी गेट We get Ethan amine. Ethan amine. Okay. तो इसमें साइड कार्बन कहां चला गया सोडियम कार्बोनेट बेटा उसके बाद क्या बना? भी, भी बना होगा वाटर सो दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल अब सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हो बेटा दिस इज माई दिस इज माई बेनजेमाइट ओके शब्द तो यहां पर भी अराइल माइग्रेशन भी हो सकती है मैंने लिया बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस और एल्कोहोलिक एनओ एच विल बेटा, ऐसे याद रखो इस रिएक्शन को तो एराइल माइग्रेशन के बाद जो यहां पे मिला दैट इज माई एन इट्स अगेन माइ प्राइमरी मेरे पास प्राइमरी अमाइन है तो इसमें क्या मिलेगा बेटा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा एन मिलेगा और वाटर भी मिलेगा शब तो इस तरह आप इसको बोर्ड के लिए बेटा लिख सकते होफमेन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ओके, शबाश हां और इसमें क्या था इसमें जो दूसरी रिएक्शन थी दैट वाज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन गैब्रियल थैलीम सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, शाबाश गैब्रियल थैलीमाइड गैब्रील थैली माइड सिंथसिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन शब्बाश ये जो हमारे पास रिएक्शन है गैब्रिल थैल इमाइड गैब्रिल थैली माइड सिंथसिस दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन शब्बाश चलो बेटा एक्चुअली जो रिएक्शन होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देखो यहां पर हमने तीन रिएक्शन दिए थे एक तो होमपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा उसके बाद हमने जो दिया आपको दैट इज गैब्रीलिस दिया दैट इज कार्बल रिएक्शन यह तीनों इंपॉर्टेंट है अब हम गैब्रील थे डिस्कस करेंगे देखो बेटा गैब्रियल सिंथेसिस में सबसे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, याद रखोगे इस रिएक्शन में हम सिर्फ बेटा प्रिपेयर प्राइमरी एमाइंस को करते हैं लिखो दिस रिएक्शन इज यूज दिस रिएक्शन इज यूज टू तो प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एमाइंस दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू तो प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एमाइंस शब्बाश

मेन रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन इज द रिएक्शन इट सेल्फ स्टार्ट विद थैलीड तो इसका सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आप याद रखोगे सर यह जो रिएक्शन है यह रिएक्शन स्टार्ट ही होती है थैली इमाइड से शब्बाश यह रिएक्शन बेटा स्टार्ट ही होती है थैलीमाइड से थैलीमाइड को हम पहले ट्रीट करेंगे बेस के साथ ट बेस इज के ओ एच ये पहला स्टेप है रिएक्शन का और यहां पर आप जानते हो बेटा ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है इट इज एसिड नेगेटिव इस एच पॉजिटिव को निकालेगी तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा आप ध्यान दोगे अच्छे से यहां पर सॉल्ट बनेगा थैलीमाइड का और वो होगा पोटेशियम साल्ट सबसे पहला स्टेप जो यहां पर होगा यहां पे बेटा साल्ट मिलेगा आपको एंड दैट सॉल्ट इज कॉल्ड दैट पोटेशियम थैलिमाइड दिस इज द फर्स्ट स्टेप तो इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलिमाइड शब्बाश व्हाट इज दिस दिस इज पोटेशियम थैलिमाइड ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए बेटा गैब्रील थैलीमाइड सिंथसिस द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन दैट द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द थैलीमाइड थैलीमाइड का स्ट्रक्चर बेटा यह है और इस थैलीमाइड को इस थैलीमाइड को हम क्या करेंगे हमने इसको ट्रीट किया बेस के साथ लाइक like क्यूएच सबसे पहले स्टेप में यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण यहां पर बेटा एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड अब ये पोटेशियम थैलीमाइड जो बना अब ये देखो आगे क्या करेगा नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको आपको स्टेप वाइज दूंगा हालांकि ये एक ही step में होती है रिएक्शन बेटा ऐसी तो जब हम, जब हम, हम पोटेशियम थैलीमाइड को लेंगे शाबाश वॉट इज दिस दिस इज माई पोटेशियम थैलीमाइड ओके ध्यान से बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिएक्शन नाउ जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है इट कैन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इस रिएक्शन में हम जनरली यहां पे लेते हैं एल्काइल हेलाइड लिया आप जानते हो दे आर फेमस फॉर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एल्काइल में यह बॉन्ड पोलर होता है तो और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन एसेंटू को मिलती है और ये वाला स्टेप जो होता है दैट्स इज द एसेंटू मैकेनिज्म यहां पर एसेंटू मैकेनिज्म होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप तो एसेंटू के लिए ये जो आर लिया आपने ये आर आप अपने चॉइस से वन डिग्री और टू डिग्री ले सकते हो इस आर को आप कभी बेंजीन यहां पे नहीं लोगे बेटा इट इट शुड नॉट बी एरोमेटिक बिकॉज वी नो दैट हेलो एरिन जो होते हैं वो जनरली बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस तो वो हम देखेंगे हम हाँ, हम तो यहाँ one degree, two degree का मतलब नहीं है कि बनाएंगे वो हो जाएगा बेटा बेटा होने के कारण बेटा, X बाहर निकला और KX बनेगा तो फाइनली जो आपको यहां पे कंपाउंड मिलेगा दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो जिसको हम नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे

अल्कलाइन मीडियम में इसको अब हाइड्रोलिसिस करेंगे बिल्कुल सिंपल है बेटा इसको अब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये एनीओएच लिया लेकिन एक्वस मीडियम में लिया बेटा

फिर क्या होगा शबाश तो ये बनेगा थैलिक एसिड यहां पे ओएच OH बनेगा और यहां पे ओएच OH बनेगा लेकिन मीडियम में बेस है अल्कलाइन मीडियम मैंने पहले ही कहा था अल्कलाइन मीडियम में साल्ट ऑफ द एसिड बनता है तो दैट मींस ये जो आप थैलिक एसिड बनाओगे यहां पे यहां पे थैलिक एसिड नहीं बनेगा बल्कि बनेगा बल्कि बनेगा इसका सॉल्ट दैट विल बी दैट विल बी सोडियम थैलेट या सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड तो ये बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड और ये बनेगा आर एन एच टू और हम ये आर जानते हैं क्या है तो आर डिग्री ऑफ एम नहीं है बल्कि डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ नाइट्रोजन होती है तो यहां पे फाइनली आपको बना बेटा प्राइमरी एमाइन और ये आर यहां पे बेंजीन नहीं हो सकता है आप सारे प्राइमरी एमाइन बना सकते हो लेकिन एक्सेप्ट बेटा एक्सेप्ट इसमें आप एक को छोड़ोगे दैट्स नोट आप नोट में लिख सकते हो वो क्या है बेटा क्योंकि हम यहां पे सर एनलीन जो होता है सर जो एनलीन होता है एनलीन तो मेरे पास प्राइमरी एमाइन है लेकिन इसको हम गैब्रील से प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला स्टेप जो यहां पे है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है दिस इज एसेंट टू मैकेनिज्म और एसेंट टू मैकेनिज्म में यहां पे आपको कभी भी हेलो एरिन नहीं ले सकते क्योंकि हमने पढ़ा है हेलो एरिन में हेलो एरिन आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे हमने रीजंस दिए थे तो दैट मीन्स आप यहां ये यह नहीं ले सकते बाकी सारे

तो दैट मीनस ये जो रिएक्शन है इट स्टार्ट विद थैलीड थैलीमाइड को हमने ट्रीट किया था बेस के साथ दैट वॉज दैट वॉज और एल्कोहलिक क्यूएच वहां पे बेटा पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण वहां पे हमें साल्ट बना था दैट वॉज पोटेशियम थैली इमाइड ओके

प्राइमरी अमाइन और मैंने फिर नोट में कहा कि सारे प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं लेकिन क्योंकि कोई बेटा ज्यादा मैंने यहां नहीं छेड़ा बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है बोर्ड के लिए उसके बाद हमारे पास जो और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है बेटा अभी तो हम और एक नेम रिएक्शन थी हमारे पास वो क्या है शबाश दिएक्शन कार्बाइल रिएक्शन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन रिएक्शन बोर्ड के लिए बस ज्यादा छेड़खानी का नहीं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन ओके बेटा दिस इज माय कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इस कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे बोर्ड के लिए शाबाश। दिस इज माई कार्बाइल एमाइन रिएक्शन देखो तो इसका नाम ही है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन तो दैट मींस तो इस रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है आप इसको पहले लिखो अच्छे से जैसे मैं बोल रहा हूं इसका जो आप रिएजेंट लोगे ना बेटा वो होता है जनरली क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक लाइक क्यूएच और एन एच चलो हमने क्यू एच लिया ठीक है बेटा अगर आपको याद होगा ये जो रिएक्टेंट आपने लिया ना ये जो रिएजेंट आपने लिया इसमें एक खास बात है अगर मैकेनिज्म देखोगे जो राइमर टाइम रिएक्शन थी ना वहां पे क्लोरोफॉर्म और एक बेस होती थी वहां पे कार्बीन बनता था डाइक्लोरोबीन तो मुझे मैकेनिज्म मैकेजमया बताना है आपको दैट मीनस इसमें डाइक्लोर कार्बिन इंटरमीडिएट बनेगा क्योंकि दिस गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बी क्योंकि मैकेनिज्म यहां हम छेड़खानी नहीं करेंगे बेटा हम सीधे रिएक्शन को याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से क्योंकि आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है इसको और ये इसका जो रिएजेंट है उसके बाद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कार्बाइल अमाइन आप जानते हो बेटा दैट मीन्स इसमें कुछ न कुछ कार्बाइल अमाइन के साथ कुछ ताल्लुक होगा तो इसका अगर रिएक्टेंट देखेंगे रिएक्टेंट इसमें क्या लेते हैं तो इसका जो रिएक्टेंट है प्राइमरी तो ये जो रिएक्शन है ना बेटा ये जो रिएक्शन है ना दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमाइन ओके सबसे पहले हम ये पॉइंट इसमें ऐड करेंगे मेन इंपॉर्टेंट बात ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है बेटा इसमें खाली पार्टिसिपेट कौन करते हैं इसमें खाली पार्टिसिपेट करते हैं प्राइमरी इसमें खाली कौन पार्टिसिपेट करते हैं शबाश इसमें बेटे इसमें आपको रिएक्टेंट लेना पड़ेगा दैट इज ओके बेटा इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच तो मैकेनिज्म पे यहां मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा ठीक है बेटा तो अब इसमें क्या होने वाला है इसमें यहां पर आप शॉर्ट ट्रिक देखो यहां पर नाइट्रोजन है आपके पास और ये कार्बन क्योंकि कार्बिन ही बनेगा आप इन दोनों को आपस में जोड़ो मैकेनिज्म में यहां नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको तरीका बोल रहा हूं याद रखने का तरीका बेटा यहां पे आप सर क्या बनाओगे यहां पर आपको बनेगा आर एन सी ओके बेटा तो इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स या कार्बाइल अमाइंस ठीक है तो बाकी इसमें जो बनेंगे साइड प्रोडक्ट्स वो क्या बनेगा वो बेटा वाटर भी बनेगा केसीएल भी बनेगा चलो शाबाश और वाटर भी बन सकता है इसमें हाँ अब इसमें क्या करना है आपको ध्यान देना बेटा अच्छे से हम यहां पे साइड प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे इसमें एचल भी बन सकता है साइड प्रोडक्ट लेकिन यहां पे हम फोकस करेंगे इस मेन कंपाउंड की तरफ इस मेन कंपाउंड की तरफ हम फोकस करेंगे शाबाश, ये जो हमारा मेन कंपाउंड है ना दिस 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 कंपाउंड शाबाश, इसका नाम क्या है कार्बाइल एमाइन जिसको हम बोलते हैं जिसको हम कार्बाइल एमाइन बोलते हैं कार्बाइल एमाइन अब देखो ये जो आइसोसाइनाइड बना ये आइसोसाइनाइड जो होते हैं आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इनकी बेटा बहुत ही गंदी स्मेल होती है तो अगर आप इस रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करोगे ना तो आपको लैब में सीधे पता चलेगा कि यहां पर ये जो स्मेल आ रही है ये आइसोसाइनाइड की स्मेल आ रही है आई विल रिपीट वंस अगेन मैंने कहा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय द प्राइमरी अमाइन मैंने कहा इसका रिएजेंट बेटा ये होता है क्लोरोफॉर्म और मैंने कहा इस रिएक्शन में आप सीधे याद रखोगे साइड प्रोडक्ट भूल जाओगे आप ये जो नाइट्रोजन है और ये जो कार्बन साहब है ये नाइट्रोजन और ये जो कार्बन साहब है इन दोनों को आप मिलाओ क्योंकि इसमें डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा और वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा वो हमारे पास बनेगा शाबाश वो बनेगा वो बनेगा आर एन सी आईसोसाइनाइट क्योंकि मैकेनिज्म अगर बोलूंगा कार्बीन क्या होता है बेटा उसमें होता है वैकेंट ऑर्बिटल ठीक है ये उसमें अटैक करके आर एनसी बनेगा फिर हाइड्रोलिसिस होगी वो आपको देखना नहीं है सीधे आर एनसी और फिर क्या बनेगा यहां पर वाटर भी बन सकता है केसीएल भी बन सकता है बेटा ठीक है अब इसमें मसला है देखो अब क्या ये सेकेंडरी अमाइनिस देंगे रिएक्शन नहीं मैंने कहा ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसमें इनकी स्मेल फाउल होती है तो इसीलिए बेटा आप इसको लैब में एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस क्योंकि फाउल स्मेल कौन देंगे फाउल स्मेल वही देंगे जो आइसोसाइनाइड बनाएंगे और आइसोसाइनाइड कौन बना सकता है खाली प्राइमरी अमाइन दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाई सेकेंडरी एंड एग्जाम्पल बेटा यहां पर आपको लिखा वेरी गुड दिस इज माई दिस इज माई प्राइमरी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगा यह प्राइमरी अमाइन है क्या लिया रिएक्टेंट मैंने लिया क्लोरोके okay, बेटा मैंने क्लोरोफॉर्म लिया KOH के ओ एच के प्रेजेंस में शबाश क्या बना बेटा क्या बना शबाश इसमें बनेगा आइसोसाइनाइड वेरी गुड इसमें बनेगा आइसोसाइनाइड तो साइड नहीं लिखेंगे बेटा ये जो कंपाउंड बना आइसोसाइनाइड इसकी स्मेल क्या होती है इट इज ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड तो इसीलिए फाउल स्मेल होने के कारण हम लैब में सीधे पहचानते हैं अगर आपके पास तीन टेस्ट्यूब होंगे एक टेस्ट ट्यूब में होगा प्राइमरी दूसरे में सेकेंडरी और तीसरे में टर्सरी अमाइन होगा मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे इनमें आइडेंटिफाई करके दो कि प्राइमरी अमाइन कौन सा है आप क्या करोगे बेटा आप क्लोरोफॉर्म मिलाओगे बेस के साथ तीनों टेस्ट टेस्ट ट्यूब ट्यूब में जिस टेस्ट से आपको बेटा फाउल स्मेल आएगी उसी में प्राइमरी अमाइन होंगे इसीलिए इस बेटा इस टेस्ट का इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नून एज टेस्ट इट्स ऑल्सो नोन एज शब्बाश, इट्स ऑल्सो नोन एज इट्स ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका दूसरा नाम है बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट और ये पॉइंट आप याद रखोगे फॉर एग्जाम्पल क्या ये क्या ये बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा क्या ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है बेटा इसको हमने क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ ट्रीट किया तो यहां पे बनेगा आइसोसाइनाइड ओके बेटा तो ये भी एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देगा तो इसी को बोलते हैं बेटा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या बोलते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इस रिएक्शन के बारे में आपको बोला आप बोर्ड में बेटा इनको अच्छे से लिख सकते हो तो बाकी बेटा ये तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमने डिस्कस की शबाश क्या, क्या क्या किया एक तो हमने पहले किया गैब्री नहीं नहीं पहले हमने डिस्कस किया बेटा दैट वॉज दैट वॉज एक तो थी गैब्रीलिमाइड और पहले हमने डिस्कस किया हॉपमैन इज ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन दूसरा हमने डिस्कस किया दूसरा हमने डिस्कस किया बेटा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस और तीसरा जो हमने डिस्कस किया दैट वाज आइसोसाइनाइड टेस्ट और जिसको हम प्यार से कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं ठीक है बेटा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शब्बाश हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स वट इज डाई एजोटाइजेशन इज बेटा दो मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या तीन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सिंपल रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन अब डाई एजोटाइजेशन में आपको याद क्या रखना है ध्यान देना बेटा दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो डाई एजोटाइजेशन दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्व इस रिएक्शन से क्या करते हैं डाई एजोटाइजेशन से बेटा दिस रिएक्शन शाबाश। दिस रिएक्शन इज यूज दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ शाबाश। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट डाई एजोनियम सॉल्ट लाइक like मेनली हम बात करेंगे लाइक बेंजीन, लाइक बेंजीन डाई एजोनियम लाइक बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइट ओके बेटा दिस इज डाईजोटाइजेशन हा इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है ध्यान से बेटा इस रिएक्शन का जो आप रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज इज बेसिकली द नाइट्रस एसिड लेकिन हम इस नाइट्रस एसिड को इंस्टीट्यू में प्रिपेयर करेंगे बाय ट्रीटिंग सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सएल तो ये हमें क्या प्रिपेयर करके देगा बेटा नाइट्रस एसिड हम जनरली यहां पे ये लेते हैं क्या लेते हैं बेटा शबाश तो इसमें हम जनरली लेते हैं सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सएल तो ये हमें प्रिपेयर करके देगा नाइट्रस एसिड लेकिन दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन यहां पर जो टेम्परेचर आप लेते हो दैट्स 273 सेवेंटी थ्री

वेरी गुड इसके बाद आपने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करना है लेकिन हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सएल यहां पर मैंने टू लिखा समझाने के लिए ठीक है और टेम्परेचर लेते हैं 273 टू 278 केल्विन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बदनाम रिएक्शन है बेटा डाइएजोटाइजेशन और यहां पे हमने जो एनलिन लिया ये जो हमने एनोलिन लिया एनलिन से हम क्या करेंगे बेटा एनलिन को हमने ट्रीट किया किसके साथ किसके साथ एन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सएल मैकेनिज्म काफी लंबा है लेकिन सिंपल है हमें जाने की जरूरत नहीं है बेटा आप सिंपल याद रखो यहां पर कितने एच है आपके पास दो एच यहां भी कितने एच है आपके पास दो एच है बेटा ऑक्सीजन कितने हैं दो तो दैट मींस चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं आप सिंपलीसिटी के लिए टू टाइम्स वाटर ओके बेटा बनेगा बिल्कुल सिंपल सर आपने बोला हाँ अब यहां क्या बचा Na शाबाश यहां क्या बचा दो Cl एक Cl ले लो इसके साथ तो क्या बनेगा तो ये बनेगा बेटा NaCl ओके ये बनेगा NaCl अब यहां नाइट्रोजन बचा और ये नाइट्रोजन बचा तो जब एन एन कपल करेगा शॉर्ट तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा यहां पे बनेगा एन टू पॉजिटिव ये पॉजिटिव किस नाइट्रोजन पे होगा वो स्ट्रक्चर में आएगा बेटा आप सीधे याद रखो एन टू पॉजिटिव बेनजीन डाइ दिस इज कैट आयन यहां पे एक सीएल नेगेटिव बचा था तो वो बनाएगा सीएल नेगेटिव इसी को बोलते हैं बेटा बेनजीन डाइ बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोर्ड के लिए इतना काफी है तो क्या किया हमने इस रिएक्शन में हमने इस रिएक्शन में एनिलीन को लिया और बेटा एनिलीन को हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सएल एट ए टेम्परेचर ऑफ 273 थ्री टू टू सेवेंटीन टू गिव बेनजीन डायोराइड बेटा यहां जो N2 टू पे है ये जो आयन है ना बेटा नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग बेटा N2 जो होता है ना इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना इट इज वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि ऑलमोस्ट हम इससे हर कोई कंपाउंड बना सकते हैं जब मैंने आपको कहा बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जनरली न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिल्सूशन नहीं दिखाते हैं लेकिन एन टू इतना बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है उसको दिखता ही नहीं है वो कभी फिनाइल कैटेन भी बनाता है बेटा कभी एस एन टू भी दिखाएगा मतलब यहां एन टू निकलता ही निकलता है बिकॉज इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इसलिए टेंपरेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी वेरी लो क्योंकि अगर आपने वार्म वार्मेंचर ज्यादा लिया बेटा इससे ज्यादा लिया 283 के केल्विन की ज्यादा टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया यहां बीकर में जो वाटर आपके पास बना होगा ये वार्म वाटर बनेगा और वार्म वाटर से क्या होगा ये एन टू लीव करके बेटा यहां पर फिनॉल बनेगा प्रोडक्ट वो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा तो दिस इज द रीजन वी कैप्ट वेरी लो टेम्परेचर इन द डायजोटाइजेशन ओके तो यहां पे बेटा अगर हम एल्फेटिक की बात करेंगे देखो देखो बेटा एल्फेटिक एमाइंस जो होते हैं

चलो टेम्परेचर 273 या 278 या ज्यादा ही कुछ लिया बेटा तो अब यहां पे जो आपके पास डाइजोनियम साल्ट बनेगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बेटा और जो आपके बीकर में वाटर बनेगा तो बेटा ये इतने कम स्टेबल होते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन टू रिप्लेस करके ये वाटर से ओ एच आके बेटा फाइनली हमें एल्कोहल मिलता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है और यहां पर जनरली आपको एल्कोहल मिलेगा तो दैट मीन्स ये जो डाइजोटाइजेशन है इट्स द मेनली फेमस फॉर द बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड्स, क्योंकि यहां पे ये जो एल्फेटिक डायजोनियम साल्ट होते हैं ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एराइल डायजोनियम साल्ट ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा दैट वॉज दैट वॉज माई डाई एजोटाइजेशन तो अगर इसमें और भी कुछ होगा बेटा वो हम कल देखेंगे इनशाला क्योंकि इसमें और भी इंपॉर्टेंट दो तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज के लिए इतना काफी है ये दो तीन चार क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए इनको अच्छे से बेटा लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में अल्लाह हाफिज